Hello everyone, welcome back to my channel, and this is the 6th episode of the Kashmir series. Hope you all are doing well and taking care of yourself and your family. Hey friends, welcome back to my channel. Good morning from Gulmarg. देखिए कितना अच्छा स्नो है पूरा सामने और बहुत ही अच्छा ब्राइट एंड सनी डे है. कल हो रही थी बारिश तो हम लोगों ने सोचा कि कोई स्नो एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, पर ब्राइट एंड सनी डे हो गया है तो हम लोग अभी निकल जाएंगे स्नो एक्टिविटीज़ के लिए, स्नो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए. पहले लेंगे गंडोला राइड और यहाँ पे स्लेजिंग, स्नो बाइकिंग बहुत कुछ होता है, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं. तो रेडी हो जाती हूँ और चलते हैं स्नो एक्टिविटीज़ के लिए. तो चलिए मेरे साथ चलते हैं गंडोला राइड के लिए, आ जाइए. सुबह सुबह हमारे कॉटेज के केयर टेकर ने ब्रेकफास्ट हमें ला के दिया था कॉटेज में ही. ब्रेकफास्ट में है गर्मा गर्म चाय और ब्रेड ऑमलेट. तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी. ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट. चलिए ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं. और कॉटेज से गंडोला तक का डिस्टेंस बहुत ही कम था, 5 मिनट्स का वॉक था, तो हम लोग पैदल ही निकल पड़े. ये गंडोला राइड के लिए है टिकट काउंटर और यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ेगा. रश उतना ज्यादा नहीं है, कुछ ही लोग हैं यहाँ पे. तो हम लोग आ गए हैं गंडोला राइड के लिए. यहाँ पे समर एंड विंटर टाइमिंग मेंशनड है. और ये गंडोला राइड में है फेज़ 1 एंड फेज़ 2. फेज़ 1 के लिए टिकट प्राइसेस है 750 पर पर्सन और फेज़ 2 के लिए है एक्स्ट्रा 950 रुपीज़. अभी फेज़ 1 में ही सफिशिएंट स्नो है तो फेज़ 1 का हमने ले लिया है टिकट. तो चलिए चलते हैं गंडोला राइड के लिए. ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ पे टिकट चेकिंग किया जाता है. यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे. गंडोला राइड के लिए आपको बहुत सारे गाइड्स मिल जाएंगे जो कि आपको सजेस्ट करेंगे कि वो आपको गंडोला राइड और सारे एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे. उनके अलग से चार्जेस होते हैं 800 to 1200. आपको क्यू में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा, वो लोग आपका टिकट भी ले लेंगे टिकट काउंटर से. और फाइनली हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 1 की तरफ, तो वहीं पे है गंडोला और इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा और वहीं से हमें गंडोला मिल जाएगा. वहाँ पे चेक पॉइंट 2 भी है. यहाँ पे सभी कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही क्यू में खड़े हैं. यही क्यू हमें एकदम गंडोला तक ले जाएगा. यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो सारे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है केबल कार से रिलेटेड, आपको डूज एंड डोंट्स भी दिख जाएंगे. सो आवर गंडोला राइड हैज स्टार्टेड एंड लुक एट दिस व्यू. It's just amazing. Although this was not my first experience of cable car ride, previously I have taken a cable car ride in Gangtok and Vaishno Devi as well. But this experience was something different. I must mention the gondolas are of a very good quality and well maintained. The first stop is at Khilanmarg, which is the phase 1 where most tourists end their journey. There are plenty of activities that you can do here like sledging, skiing, jet skiing and snow biking. The next gondola ride will take you up to Afrawat, that is the phase 2. The views get even better from there since this is at 14,000 feet as compared to Khilanmarg, which is at 10,000 feet. But during the winter months, you will get sufficient snow in the first phase itself. Here you can see the villages of Gujjars, the shepherds, who have migrated here to avoid harsh winter. The roof of their houses are covered by thick snow.
I will recommend you all to go for this gondola ride. This is definitely an experience of a lifetime. Nowhere in India you will find such a beautiful ride to snowy mountain with such scenic views. Go in between March and May. The temperature is around about 4 to 9 degrees in the morning, and at night it is around 1 to 2 degrees, and the cold is much bearable during March, April and May. So I will suggest you to visit during these months. So we have reached the first phase, Khilanmarg, और यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की। फेज वन में ही देखिए कितना स्नो है, और देखिए ऊपर से जा रहा है गंडोला। तो ऐसे ही गंडोला में हम लोग यहाँ आए हैं, और यहीं से हमें फिर फेज टू के लिए भी गंडोला मिल जाएगा। फेज टू है 14,000 फीट पे, जहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, पर सारी स्नो एक्टिविटीज फेज वन में ही होता है। तो इसीलिए फेज वन में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लोग। और फेज वन में कैफेज भी है, जहाँ से आप क्विक स्नैक्स भी ले सकते हो और आपके सारे एक्टिविटीज भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग आराम से 2 से 3 घंटा स्पेंड कर सकते हो यहाँ के स्नो एक्टिविटीज़ करके। तो मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं और चार्जेस नॉर्मली क्या क्या होते हैं। गुलमर्ग है इंडिया का सबसे फेमस स्नो एक्टिविटी डेस्टिनेशन, तो यहाँ आके लोग स्कीइंग ज़रूर करते हैं। अगर आप प्रॉपर स्कीइंग करना चाहते हो तो यहाँ पे स्कीइंग स्कूल है, जहाँ से आप स्कीइंग कोर्स कर सकते हो, जो कि 7 days to 15 days के ड्यूरेशन के होते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग गुलमर्ग से आप स्कीइंग कोर्स कर सकते हैं 7 days का। बिगिनर लेवल के लिए चार्जेस है अराउंड 6,000 rupees, और भी एडवांस लेवल्स भी हैं तो उसके लिए चार्जेस कैन गो अप टू 20,000। पर अगर आपके पास टाइम कम है पर आप स्कीइंग का फील लेना चाहते हो और बस बॉडी को बैलेंस करना सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बस चार्जेस हैं 300 to 500। वैसे तो यहाँ पे ओवरप्राइज्ड है, वो लोग बोलेंगे 1,000-1,200, बट यू हैव टू बार्गेनिंग इज़ अ मस्ट। नेक्स्ट आप यहाँ पे कर सकते हो स्लेजिंग। स्लेजिंग वॉज ऑल्सो अ वेरी फन एक्सपीरियंस, आपको ज़रूर ये करना चाहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है स्लेजिंग करके आपको। और यहाँ पे बार्गेनिंग इज़ अ मस्ट। और आप ले सकते हो स्नो बाइक राइड। स्नो बाइक राइड के 3 phases हैं, तो ये राइड आप ज़रूर ट्राई करना। सो गोइंग फॉर स्नो बाइक राइड। अकेला है कोई? अकेला? हाँ। भाई टिकट था, आप टिकट ना? हमने जाओ। हाँ भाई यहाँ से। हाँ सर। नीचे से। हाँ। क्योंकि आप अच्छे हैं। टिकट आपके पास में? इसे जरूर ट्राई करना। और उसके बाद हम लोग चले गए स्नैकिंग के लिए। तीखा तो की मीडियम के कैफे में आ गए हैं। ये है यहाँ का मेन्यू, आपको वेज मील भी मिल जाएगा, पर हमने यहाँ पे मैगी और स्वीट कॉर्न का मजा लिया। इस व्यू के साथ स्वीट कॉर्न का मजा जस्ट नेक्स्ट लेवल है।
स्नो एक्टिविटीज़ के बाद आप यहाँ पे चिल कर सकते हो, स्नोमैन बना सकते हो या फिर बस स्नो में लेट के व्यू का मज़ा ले सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पे। या फिर आप छोटा मोटा ट्रैक भी कर सकते हो। यहाँ से व्यू है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और ट्रैकिंग करते हुए ध्यान से चलना होगा क्योंकि स्नो में चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर हमें काफ़ी मज़ा आया। मैंने कर लिया ढेर सारी एक्टिविटीज़, स्नो बाइकिंग भी किया, गंडोला से आए थे, स्लेजिंग भी कर लिया, तो काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था और काफ़ी फ्रूटफुल डे है। अभी नीचे जाएंगे गंडोला से फिर, और फिर लंच करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो चलिए लंच कर लेते हैं साथ में, तो चलते हैं। आ गए हैं नीचे, यह है गुलमर्ग का सोविनियर शॉप। यहाँ से आप गुलमर्ग की कुछ मेमोरीज लेके जा सकते हो अपने साथ। लंच के लिए हम लोग आ गए हैं गुलमर्ग मार्केट में। छोटा सा मार्केट है पर यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको वुलन गारमेंट्स, जैकेट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे वेज नॉन वेज सब ढाबा भी हैं जहाँ पे आप कर सकते हो लंच डिनर भी। अभी थोड़ा पैदल पैदल एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ एक महाराणा पैलेस है तो उसकी तरफ जा रहे हैं। महारानी टेम्पल भी है तो वो तो कल कवर किया था, आज फिर से करने का इरादा है क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है हमारे पास, तो पहले महाराजा पैलेस चलते हैं। यहाँ है गुलमर्ग के कुछ फेमस होटल्स भी, यहाँ भी आप स्टे कर सकते हो। महाराजा पैलेस है पहाड़ी के ऊपर, तो यहाँ के लोकल ने बताया थोड़ा डिस्टेंस है तो हमने कार से ही जाना सही समझा, तो कार से अभी ड्राइव करके जा रहे हैं महाराजा पैलेस की तरफ। और साथ में ये व्यू, महाराजा पैलेस इज अ ओल्ड हेरिटेज पैलेस ऑफ महाराजा हरि सिंह, नाउ कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। दिस पैलेस विल टेक यू बैक इन टाइम, देयर इज सो मच ओल्ड वर्ल्ड चार्म, नॉट वेरी फ्रिक्वेंटेड बाय रेगुलर टूरिस्ट, but I will highly recommend this place. This is very different from what I have seen so far in Kashmir. The Maharaja Palace is a wooden structure. It's beautiful inside out with age-old furnitures. You can see the beautiful dresser, sofas, beds, dining tables, and feel the old world charm here. The study and the Maharaja Darbar looks very stylish. Thank you.
And this part of the palace consists of old antique collections and day-to-day items used by the royal family. This is the cellar and the dining hall, which is very modern as it would heat the house during the winters. Overall, it's a very good heritage site and a must visit place in Gulmarg. So we have come out of the palace. Palace bahut hi acha tha aur palace ke paas hi ek viewpoint hai. Yahan bhi aap thodi der ruk ke view ka maza le sakte hain. और नेक्स्ट हम आज भी गए महारानी टेंपल में. महारानी टेंपल के बारे में मैंने डिटेल में बताया है एपिसोड नंबर 5 में, तो प्लीज़ जाके एपिसोड नंबर 5 देख लेना. नेक्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन है आज का गुलमर्ग का चर्च. यहाँ एक ओल्ड चर्च भी है तो हम उसी तरफ जा रहे हैं. और इसी रोड पे हमें दिखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग. सो पीपल हु वांट टू लर्न स्कीइंग द राइट वे, दिस इज द प्लेस. तो हमारे लास्ट स्टॉप पे पहुंच गए हैं. ये है यहाँ का ओल्ड चर्च, गुलमर्ग चर्च. तो चर्च तभी क्लोज्ड ही था बट वी एंजॉयड द ऑसम व्यू फ्रॉम हियर. चर्च के बाद शाम हो गई थी और ये था हमारा पूरा गुलमर्ग का दिन. हमने काफ़ी एंजॉय किया. टाइम टू गो बैक टू आवर कॉटेज. तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं वापस. बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग डे था. पूरा दिन एडवेंचर एक्टिविटीज़ करके अभी मैं टायर्ड हो गई हूँ, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ. अगर आपको ये कश्मीर सीरीज़ अच्छा लग रहा है और मेरा गुलमर्ग का स्नो एक्टिविटीज़ सब कुछ बहुत अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट भी कर देना. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को. मेरा चैनल है ट्रूली मधुमिता. कश्मीर सीरीज़ में और भी व्लॉग्स बाकी है तो देखते रहिए. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एंजॉय कीजिए मेरे साथ कश्मीर टूर. तो बने रहिए मेरे साथ. स्टे ट्यून. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.